वो कभी सोता नहीं है, जब वो सोता है एक पलक गिरती है, सोना तो दूर की बात है, एक पलक गिरती है अनंत अनंत पृथ्वियों में परले आ जाती है, अनंत अनंत ब्रह्मांड मिट जाते हैं इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। आज तक साइंस खोज रहा है, बहुत सी आकाश गंगाएं मिल रही हैं कि एक ग्रह और मिल गया, दो ग्रह और मिल गए, खोज रहे हैं। इसी ब्रह्मांड की खोज नहीं हुई है, और भी तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है इस संसार के अंदर, सात शंख ब्रह्मांड और हैं, कैसे खोजोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, कहाँ तक सोचोगे। सोचते रहो, खोजते रहो, ढूंढते रहो, लेकिन उसका अंत नहीं है। ये तो ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों से परे क्या होगा, ये खेल है, ये जाल है काल और माया का, जिसमें जीवों को फंसा दिया गया है, जिसमें जीवों को बांध दिया गया है, जिसमें जीवों को इस प्रकार से सेट कर दिया गया है कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ रोक लिए जाएंगे, अगला कदम यहाँ तक पहुँचेगा यहाँ रोक लिया जाएगा। एक एक कदम के ऊपर लोभ लालच से भरी हुई दुनिया खड़ी है, एक एक मोड़ के ऊपर डराने और धमकाने वाले लोग खड़े हैं, एक एक मोड़ के ऊपर आपको मारने का मरने का भय दिखाने वाले खड़े हुए हैं। आप भय दे करके लौट आओगे, वापस आ जाओगे, लेकिन जब आप इन नौ द्वारों से आगे बढ़ोगे, जब आप दसवें द्वार की ओर बढ़ने लगोगे, जब आपके अंदर की खिड़की खुलेगी, जब क्योंकि जितने भी द्वार हैं यहाँ से नीचे हैं, आज्ञा चक्कर से सबके सब द्वार नीचे हैं, आज्ञा चक्कर से जो खिड़की खुलेगी वो आपको आगे की ओर ले जाएगी, वो आपको दसवें द्वार की ओर ले जाएगी, वो आपको परम चेतना की ओर ले जाएगी, परम तत्व की ओर ले जाएगी। अगर आप उस से आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर आपका जन्म वापिस हो जाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्कर के पार हुए बिना जन्म जन्मांतर होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं आप मनुष्य का चोला ले करके आओ, लेकिन अगर आप आज्ञा चक्कर से आगे बढ़ गए, फिर ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपका जन्म भी हुआ तो मानव का चोला ले करके आओ, और आप योग भ्रष्टि परिवारों के घर में जन्म लो, और आपके लिए वो रास्ता भी खुल जाए, लेकिन वो तभी होगा जब आप आज्ञा चक्कर से आगे बढ़ोगे। जब आप आज्ञा चक्कर से आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी ये खिड़की नहीं खुलेगी, आप भंवर गुफा के पास से नहीं जाओगे, वहाँ नज़दीक नहीं पहुँचोगे, फिर आपको कुछ न कुछ बना करके वापस यहीं डाल दिया जाएगा, फिर आप काल माया के जाल में फंस जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं मुझे ज़्यादा टाइम दिया, मुझे कम दिया, इस टाइम से कुछ नहीं होने वाला, आप सब लोग बस संसार तक जुड़े हुए हैं। मैं पूछता हूँ कई बार, अरे कभी कोई परमात्मा की बात भी पूछ लिया करो, मुझसे काम आ जाएगी आपको, क्योंकि परमात्मा की बात बताने वाले बहुत कम लोग हैं। ये जो आप लोग काम के लिए आते हैं, ये काम करने वाले संसार के अंदर बहुत लोग हैं, आपको मिलते रहेंगे मोड़ मोड़ के ऊपर, गांव-गांव में मिलते रहेंगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला, परमात्मा तक पहुँचाने वाला, आपका हाथ पकड़ कर परमात्मा तक ले जाने वाला, कितना कार्य होता है जीव का, इतना कार्य होता है कि टिकट ली, जिस प्रकार से आप स्टेशन से टिकट लेकर के गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं, गाड़ी अपने आप ले जाती है, लेकिन बैठना तो पड़ता है, उसके अंदर बैठे रहना भी पड़ता है, उसके अंदर इंतज़ार भी करना पड़ता है कि जब मेरा स्टेशन आएगा मैं तभी उतरूँगा। अगर हम टिकट भी न लें और सोचें कि गाड़ी के अंदर चढ़ जाएं, अगर चोरी छिपे गाड़ी के अंदर चढ़ भी गए तो उसके अंदर काल टीटी का काम करता रास्ते में उतार देगा, न आप इधर के रहोगे न आप उधर के रहोगे। अगर आप नज़दीक पहुंच भी गए तो आपको क्या पता चलेगा कहाँ से स्टेशन है, कहाँ उतरना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, स्टेशन के बाद कौन सा रास्ता है, कौन सा लोक आएगा, कैसे चढ़ाई होगी, कौन क्या शब्द मांगेगा, कौन क्या शब्द पूछेगा, किसको क्या शब्द बताना है, रास्ते में कौन कौन है, नहीं पता चलेगा। आप भूल जाओगे, भटक जाओगे, फिर भय के अंदर कपकपी छूटेगी, महाकाल की जब दहाड़ सुनाई देगी नीचे आकर के गिरोगे। मैंने बड़े बड़े योगी देखे, बड़े बड़े महात्मा देखे, मैंने बड़े बड़े सिद्ध देखे जिनके नाम चल रहे इस संसार के अंदर, बहुत से नाम ऐसे मैं लूँगा नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। वो देखे महाकाल के द्वार के ऊपर पड़े हुए हैं, लंबे लेटे हुए हैं, वो एक बार नज़र करता है दो कदम पीछे हट जाते हैं, नज़दीक भी नहीं आते, कहीं खा न जाए, कभी मार न दे, कहीं अंदर न जाने दे, अनेक अनेक सवाल अंदर में दहाड़,
लेकिन जब उनको टिकट दिखाई जाती है, जब उनको दिखाया जाता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ जाना, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब महाकाल से नज़रों में नज़रें मिलती हैं, वो समझ जाता है कोई जीव आगे के लिए आया है, आगे जाएगा, ये रोके हुए नहीं रुकेगा। या तो रास्ता छोड़ दो, नहीं तो इसके साथ साथ गुरु भी चला आएगा, वो रास्ता छुड़वा देगा। अगर वो उसे रास्ता नहीं छुटा तो स्वयं हरि आ जाएंगे, वो पूर्ण परमात्मा आएगा और टिकट देखेगा और साथ छोड़ देगा, नहीं तो उसकी भी नौकरी जाएगी, वो भी बदला जाएगा। क्योंकि जब वैकुंठ का विष्णु बदला जाता है, ब्रह्मदेव बदला जाता है, शिवपुरी का शिव बदला जाता है, तो महाकाल क्यों नहीं बदला जाएगा? सबको अपनी पोस्ट अच्छी लगती है, सबको अफसर का भय होता है, और वो तो पूर्ण तत्व परमात्मा है। अगर उस तक जिसकी पहुंच हो जाए तो रास्ते में कोई हाथ देने वाला नहीं होगा, कोई आपकी गाड़ी को रुकवा नहीं सकता, लेकिन चलना तो आप लोगों को पड़ेगा, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बिना प्रयास के कुछ लोग सोचते हैं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, सिद्धों वाली बात होती है, लेकिन उनकी चाल देखो तो कुछ नहीं होता, बस निंदा के सिवा और कुछ नहीं भरा होता। अंदर में झकझोर करके देखिए, जिसको देखना है तेज नज़र से अंदर में झांक करके देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बात करिए, विचारों के खेल देखिए, मन का खेल देखिए, कर्म देखिए, पता चलता जाएगा, खेल समझ में आता चला जाएगा।